इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और हमें ये प्रूव करना है कि वो एक रॉम्बस है। देखिए ये एक सर्कल है, हम कह सकते हैं ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये हमें दिया हुआ है, ये गिवन है। हम कहते हैं पी क्यू आर एस इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, क्योंकि ए बी एक टेंजेंट की तरह है, बी सी भी एक टेंजेंट है, सी डी और डी ए भी टेंजेंट्स है। ठीक है, क्योंकि हमें यह दिया हुआ है कि यह पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी और डी सी ऑपोजिट साइड से यह इक्वल होगी। बिल्कुल इसी तरह से ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये ऑपोजिट साइड से इसलिए इक्वल है, यह पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो ए क्यू एंड ए पी टेंजेंट्स की लेंथ है, तो लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स होते हुए हम कह सकते हैं कि ए क्यू होगा इक्वल ए पी के, ठीक इसी तरह से बी क्यू इक्वल होगा बी आर के। मैं इसे इस तरह से लिखता हूँ कि ए क्यू की तरफ बी क्यू लिखो, बी क्यू इज इक्वल टू बी आर। देखिए मैंने बी क्यू को इस तरफ लिखा है, मैंने ऐसे नहीं लिखा इसको कि बी आर इक्वल्स टू बी क्यू, ए क्यू और बी क्यू मैंने साथ लिखे हैं, एक साइड लिखे हैं। फिर अब मैं ये भी जानता हूँ कि सी आर इज इक्वल टू सी एस, अब मैं सी आर को वहाँ लिखूँगा जहाँ मैंने बी आर लिखा है, सी आर इक्वल्स टू सी एस, और डी एस डी एस इज इक्वल टू पी डी। ये सब लेंथ्स है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, और टेंजेंट की लेंथ्स एक्सटर्नल पॉइंट से जब ड्रॉ की जाती है तो ये लेंथ्स इक्वल होती है, जैसे डी एस पी डी के इक्वल है, सी एस सी आर के इक्वल है, बी आर बी क्यू के इक्वल है, और ए क्यू ए पी के इक्वल है। मैंने कुछ इनको इस तरह से लिखा है कि अगर मैं इन इक्वेशंस को ऐड करूं तो कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आए, इसीलिए मैंने बी क्यू को ए क्यू की तरफ लिखा, ताकि ए क्यू और बी क्यू ऐड होके एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे ए बी। चलिए हम इनको ऐड करते हैं, इन चारों इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी एस प्लस डी एस, उस तरफ मुझे मिलेगा ए पी प्लस बी आर प्लस सी आर प्लस पी डी। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बन जाएगा ए बी, सी एस प्लस डी एस मिलता है हमें डी सी, ए पी ए पी ऐड होगा डी पी के साथ, ए पी और डी पी मिलके बनते हैं ए डी, और बी आर एंड सी आर ये होता है बी सी। तो हमने ये पता लगाया कि सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल व्हेन अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, बट ए बी और डी सी ये दोनों तो इक्वल है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ए बी की जगह मैं डी सी लिख देता हूँ, तो डी सी प्लस डी सी इज इक्वल टू, वहाँ देखिए ए डी और बी सी इक्वल है, मैं ए डी की जगह बी सी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी सी को ए डी भी लिख देते कुछ नहीं होता। हमें मिला ट्वाइस ऑफ डी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी, आप कह सकते हैं डी सी इज इक्वल टू बी सी। अब देखिए डी सी क्या है, यहाँ पैरेललोग्राम में देखते हैं डी सी और बी सी इक्वल है, डी सी और बी सी तो एडजेसेंट साइड्स है, अगर यहाँ पर मैं डी सी नहीं लिखकर ए बी लिखता
और वहाँ पे मैं ए डी लिखता तो ए बी इक्वल टू ए डी हो जाता, ए बी इक्वल टू ए डी। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। पैरेललोग्राम होने की वजह से ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल थे ही, ये तो हमें गिवन था, और हमने ये प्रूव कर दिया कि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। इस तरह से मैं बोल देता हूँ कि चारों साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो हमें ये एक ऐसा पैरेललोग्राम मिल गया जिसकी चारों साइड्स इक्वल है। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, और यही हमें प्रूव करना था।